नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति राघव और आप देख रहे हैं जनता दरबार। चुनावी माहौल के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक ब्लॉक आज कांग्रेस मुक्त हो गया है। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बता दें कि आज जयपुर में बीजेपी मीडिया सेंटर पर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कालवाड सरपंच त्रिवेंद्र सिंह राजावत और मंडा भोबावास सरपंच महेंद्र यादव सहित 24 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान जिला प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और झोटवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सभी लोगों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर और मिठाई खिलाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। बता दें कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने कहा कि युवाओं ने एक संकल्प लिया है, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस मुक्त कर देंगे और मैं बीजेपी में आने वाले सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक ब्लॉक आज कांग्रेस मुक्त हो गया है। आपको बता दें कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि मेरे नामांकन वाले दिन कांग्रेस में प्रदेश सचिव रही अनिता शर्मा ने 100 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन। तब अनिता शर्मा ने मुझसे कहा कि जब मैं कांग्रेस में थी तब मेरे बच्चे लगातार बोल रहे थे कि हम जिस बीजेपी पार्टी के लीडर को आइकन मानते हैं, आप उसके खिलाफ कांग्रेस में क्या कर रही हैं? तब मुझे अपने बच्चों के सामने हथियार डालने पड़े। युवा पीढ़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। आगामी 25 नवम्बर को प्रदेश में दशहरा मनेगा और अहंकार के ऊपर ईवीएम की चोट होगी और इसके बाद 3 दिसंबर को वापस प्रदेश में दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि प्रदेश में राम राज्य आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।